भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंद न्यूज चैनल में। और आज टीम समाचार कैरी पहुंची है ऐतिहासिक स्थल पर। जी हां, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह पवित्र कुंजुम माता का मंदिर है जो कुंजुम बाईपास पर, जो कुंजुम दर्रा है वहां पर यह स्थित है। बड़ी मान्यताएं हैं कुंजुम माता की। यहां पर जो भी टूरिस्ट या पर्यटक यहां पर आता है वो कुंजुम माता का आशीर्वाद लेकर के अवश्य यहां से जाता है। और खास बात यह है कि कुंजुम माता का यह मंदिर वर्षों से यहां पर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहां पर टीम समाचार कैरी यहां पहुंची है माता के दर्शन करने के लिए, माता की आशीर्वाद लेने के लिए। और यहां पर जो चंडीगढ़ से हम चले थे, हमारा ये सफर शुरू हुआ था स्पीति, लाहौल स्पीति जिला जो है वहां पर काजा के लिए हम जा रहे हैं। और रास्ते में जितने भी ऐतिहासिक स्थल स्मारक हमारे को देखने को मिलेंगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं कुंजुम माता मंदिर के। बड़ा ही पवित्र स्थल है और यहां पर जो टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं या आसपास के क्षेत्र में, कुंजुम माता की बड़ी कृपा रहती है, बड़ी यहां पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा यहां पर विश्वास है। और कुंजुम माता यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर दिव्य ज्योत प्रज्वलित है जो 24 घंटे यहां पर देसी घी से यह ज्योत प्रज्वलित होती रहती है। और यहां पर कुंजुम माता का यह मंदिर है, यहां पर मनोकामना पूर्ण के लिए यहां पर दर्शन किए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है और कुंजुम माता की कृपा यहां पर रहती है। आप देख रहे हैं बड़ा ही मनोरम और अद्भुत और दिव्य भक्ति से जुड़ा हुआ यह स्थल है। इस समय मैं आपको बता दूं कि जो तापमान है वो लगभग -6 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। और ये कंजुम दर्रा है जो विशेष तौर से यहाँ पर जाना जाता है, कंजुम दर्रा माता का मंदिर है। और ये पूरा परिसर एक अद्भुत अलौकिक अद्वितीय यहाँ पर माहौल है, आपके मनोरम और मनोवांछित यहाँ पर आपको नजारा देखने को मिलेगा। पूरी ठंड यहाँ पर है, यहाँ पर खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल है, -6 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। तो सुनील जी कितनी ठंड है यहाँ पर? -6 डिग्री है बिल्कुल। हमने यहाँ पर पूछा, हमारे कुछ फौजी साथी हैं जो हमेशा 2400 घंटे 365 दिन यहाँ पर देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए डटे रहते हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। और यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर पहुंचने वाले हर टूरिस्ट पर्यटक जो यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पर एक सिक्का है, वो सिक्का यहाँ पर चिपकाया जाता है और माता कुंजुम देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। दर्शन करते हैं, माता जी के चरणों में नमन करते हैं। कुंजुम माता का यह अलौकिक अद्भुत बड़ा ही विश्वसनीय यह स्थल है। कुंजुम माता के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर बिल्कुल अद्भुत यहाँ पर नजारा है। जय माता की। देखा कि यहाँ पर मनोहारी दृश्य है और माता का आशीर्वाद हमने लिया है। और टीम समाचार कैरी यहाँ पर पहुंची है, बड़ा ही मनमोहक यहाँ पर वातावरण है। सुनील जी आपको दिखाएंगे कितना शानदार यह दृश्य है माता कुंजू देवी बिल्कुल। और अभी हम आपको लिए चलते हैं एक और स्थान पर जो यहीं पर कुंजुम बाईपास पर है, वहां पर हम आपको ये बर्फ से लदे हुए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। यहाँ पर जो वातावरण है वो आपको देखने को मिलेगा। कुंजुम माता का यह मंदिर है जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ढाका ग्लेशियर है ये सामने आप देख रहे हैं, बर्फ का ग्लेशियर है, जो ढाका ग्लेशियर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये ढाका ग्लेशियर है, यहाँ पर बर्फ है, -6 डिग्री टेम्परेचर है। और इस ढाका ग्लेशियर की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो 1957 में जो एयर क्रैश हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर जो हमारे भारतीय सेना के जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको लेकर के यहाँ पर जो डोगरा रेजिमेंट है, जो डोगरा है वो यहाँ पर एक उनके स्मारक बना रही है, उनकी शहीद उनकी याद में यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर स्मारक बनाया जा रहा है। यहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा है, शहीद स्मारक स्थल आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये शहीद स्मारक स्थल है, ये आप देखिए यहाँ पर अभी जो मैं आपको बताऊं कि 20 दिन पहले 2 अक्टूबर को यहाँ पर जो 400 बरामद हुए हैं लोसर गांव से यहाँ पर जो 400 बरामद किए गए हैं, डोगरा जो रेजिमेंट है हमारी उसके द्वारा 400 बरामद किए गए हैं। और वो हाल ही में कुछ दिन पूर्व यहाँ पर 2 अक्टूबर को चंडीगढ़ भेजे गए हैं और उनके परिवार को वो सब सौंपे गए हैं। 60 साल बाद वो सब यहाँ पर मिले हैं। ये जो ढाका ग्लेशियर है, कुंजुम दर्रा है वहां पर वो सब मिले हैं और लगातार यहाँ पर उनको उनके उनकी स्मारक में उनकी स्मृति में
उनकी स्मृति में यहाँ पर जो विशालकाय जो शहीद स्मारक स्थल है उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय सेना के अदम्य साहस शौर्य वीर गाथाओं के प्रतीक यह जो शौर्य स्थल है यह आपको दिखाएगा भारतीय सेना की जाबाजी देश प्रेम राष्ट्रभक्ति का अनूठा ये यहाँ पर माहौल आपको नजर आने वाला है। ये कंजूम दर्रा है और इस कंजूम दर्रे में यहाँ पर जो हमारे शहीद स्मारक जो शहीद सही हुए थे उनकी याद में यहाँ पर जो शहीद स्मारक स्थल है उसका निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। और देखिए इस भारत देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो हमारे शहीद जो हमारे वीर सैनिक यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे जो ढाका ग्लेशियर में एयर क्रैश हुआ था 60 साल बाद उनके शव यहाँ पर मिल रहे हैं। और खास बात यह है कि जो शव हमारे शहीदों के वीरगति को प्राप्त हुए थे उनके जो शव मिले थे उनकी जेब से जो डॉक्यूमेंट मिले थे 60 साल के बाद उनकी आइडेंटिटी से उनको पहचाना गया। उनको ये तय किया गया कि ये उस समय जो एयर क्रैश हुआ था ये ढाका ग्लेशियर में जो एयर क्रैश हुआ था तब वो सब यहाँ पर मिले थे। सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को, सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना के उन वीरगति प्राप्त जवानों को, उनके शहीद परिवारों को नमन करती है समाचार कैरी टीम और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है समाचार कैरी पूरा मीडिया समूह बिल्कुल। और देखिए ये यहाँ पर हमारे फौजी भाई हैं जो डटे हुए हैं यहाँ पर 2400 घंटे जो भारत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी गर्मी बरसात और -6 डिग्री से लेकर के -10 डिग्री तक ये यहाँ पर रुके रहते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार यहाँ पर माहौल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीम समाचार कैरी लगातार यहाँ पहुंची है और पूरा कुंजुम दर्रा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। कुंजुम दर्रा यहाँ पर है और ये नज़ारे आप देख रहे हैं कुंजुम माता मंदिर का, यह नज़ारा है बिल्कुल बहुत ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अलौकिक है, बिल्कुल अप्रतिम सुंदरता बिखेरे हुए ये पहाड़ों की हसीन वादियां हैं जहां पर आध्यात्मिकता के साथ आपको उन शौर्य गाथाओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा जो प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है जब उन्हें ये स्मारक स्थल नजर आ रहा है। और उनको जो बताया गया है हमारे फौजी भाइयों ने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर जो हमारे 1957 में जो एयर क्रैश हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे उनके शव यहाँ पर मिले थे और उन शव को यहाँ पर उनकी याद में जो स्मारक स्थल बनाया जा रहा है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं। ये वो शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कार्य डोगरा रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर लगातार जारी है। ये प्रत्येक भारतीय को जो भी यहाँ से आएगा गुजरेगा ये उसमें देशभक्ति का राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरेंगे, देशभक्ति के प्रति प्रेरित करेंगे। समाचार कैरी मीडिया समूह सलाम करता है, नमन करता है ऐसे राष्ट्रभक्तों को, ऐसे वीर अमर शहीदों को नमन करता है, उनके चरणों की में माथा टेक करके कि उन्होंने भारत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों को नौछावर किया। सत सत नमन है ऐसे वीर सैनिकों को और समाचार कैरी टीम के हमारे पत्रकार रवि कुमार, सुनील कुमार, तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। पुनः भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। यह कुंजुम माता का मंदिर है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार समाचार कैरी यहां पर सिक्का भेंट कर रहे हैं, माता को सिक्का चिपकाया जा रहा है, ये यहाँ की पद्धति है, यहाँ की मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि सिक्का चिपकाने से और माता के चरणों में नमन टेकने से यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। कुंजुम माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ये नजारा आप देख रहे हैं कुंजुम माता जो कुंजुम दर्रा है वहां पर स्थित है, बड़ा ही अलौकिक अद्वितीय अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो नजारा है वो बड़ा मनभावन है। -6 डिग्री, जी हाँ -6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है और अद्भुत नजारा है। इस समय सूर्यास्त होने को है, पहाड़ों पर सूर्य देवता अपनी चमक बिखेरे हुए हैं और यह नजारा आप देख रहे हैं बिल्कुल अद्भुत अलौकिक नजारा है यहाँ पर और देखने को बिल्कुल बहुत ही शानदार नजारा है। और सुनील जी ने मन्नत मांगी है और यहाँ पर जो टीम समाचार कैरी है वो यहाँ पर मौजूद है। अद्भुत है, अलौकिक है, बड़ा ही यहाँ पर मानसिक सुकून भी मिलता है। प्रत्येक पर्यटक जो यहाँ पहुंचते हैं वो माता के चरणों में नमन करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी रवि कुमार जी यहाँ पर हैं और माता का आशीर्वाद है, माता के चरणों में, माता की गोद में वो आशीर्वाद ले रहे हैं। कुंजुम दर्रा।